सत श्री अकाल दोस्तों, पंजाब वैदर न्यूज़ यूट्यूब चैनल में तुहाडा सारयां दा स्वागत है जी। गल करदे आं 14 मार्च दीआं सूबे पंजाब दीआं खबरां बारे। पहली खबर दोस्तों, 60 साल तो उपर वाले लोगों नूं मोदी सरकार देवेगी 3000 रुपए महीना, इस तरह करो रजिस्ट्रेशन। एक बार फिर गरीबां अते बजुर्ग लोगों नूं ध्यान विच रखदे होए मोदी सरकार ने वड्डा ऐलान किया है। मोदी सरकार ने अजिहे लोगों दे लई 3000 रुपए महीना देण दा ऐलान किया है, जिस दे लई हुण तक तकरीबन 45 लाख लोग रजिस्ट्रेशन भी करा चुके हैं। केंद्र सरकार ने अजिहे लोगों के लिए प्रधानमंत्री लेबर योगी मान धन योजना की शुरुआत की है, जिस विच असंगठित खेतर के काम करने वाले मजदूरों 60 साल की उम्र पूरी कर लैण तो बाद 3000 रुपए महीने की घट्टो घट पेंशन मुहैया करवाई जाएगी। सरकार ने 2019 प्रधानमंत्री लेबर योगी मान धन योजना शुरू की सी। इस योजना तहत 55 रुपए तो 500 रुपए प्रति महीना निवेश किया जा सकता है। इस विच 18 साल की उम्र के लोगों हर महीने 55 रुपए ते 30 साल की उम्र के लोगों 100 रुपए प्रति महीना, जबकि 40 साल की उम्र वाले 200 रुपए प्रति महीना देने होंगे। जेकर किसी मजदूर ने 18 साल की उम्र में इस योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है तो उसनू इस लई सिर्फ 660 रुपए जमा करने होंगे। उस मजदूर नू 60 साल की उम्र तक 27,720 रुपए निवेश करने होंगे। मजदूर नू 42 साल तक पैसे निवेश करने होंगे। 60 साल की उम्र होने उत्ते उसनू 3000 रुपए प्रति महीना मिलेंगे। रजिस्ट्रेशन दे लई मजदूरां नू आधार कार्ड, बैंक खाते की पासबुक लैके कॉमन सर्विस सेंटर उत्ते जाके अपना खाता खुलवाना होगा। खाता खुलाने तो बाद मजदूरां नू लेबर योगी कार्ड जारी कर दिता जाएगा। इस योजना के बारे में ज़्यादा जानकारी हैल्पलाइन नंबर 1800-267-6888 उत्ते संपर्क करके लै सकते हैं। अगली खबर दोस्तों, पंजाब ते दिल्ली समेत कई सूबों के लोगों नू रेलवे का तोहफा, ट्रेनों का संचालन किया शुरू। पंजाब के जंडियाला गुरु नेड़े किसानों का धरना खत्म होने तो बाद दिल्ली तो अमृतसर विचकार ब्यास के रस्ते ट्रेनों की आवाजाई शुरू हो गई है। इस नाल दिल्ली ते इस दे नेड़े तेड़े दे यात्रियों ने राहत दा साह लिया है। उन्होंने हुण सफ़र करन च किसे तरह की परेशानी नहीं होवेगी। खेती कानूनों के विरोध च किसान पिछले साल 24 सितंबर तो पंजाब च कई स्थानों पर रेलवे ट्रैकों पर धरना दे रहे सन। इस कारण तो 2 महीनों तक पंजाब च रेल परिचालन बंद सी। जंडियाला गुरु नूं छड्ड के होर स्थानों पर किसानों ने 24 नवंबर को धरना खत्म कर दिता सी। उस तो बाद पंजाब च ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई सी, पर अमृतसर जंडियाला ब्यास दिल्ली रूट बंद सी। अमृतसर शताब्दी का परिचालन शुरू, दिल्ली तो अमृतसर विचकार चलन वाली शताब्दी एक्सप्रैस का परिचालन भी शुरू करने का फैसला किया गया है। अगली खबर दोस्तों, अरुणा चौधरी वालों आंगनवाड़ी केंद्रों को अगले हुक्मों तक बंद रखने का निर्देश। पंजाब दे समाजिक सुरक्षा इस्त्री अते बाल विकास मंत्री श्रीमती अरुणा चौधरी ने कोविड के मामलों में मुड़ उभार के मद्देनज़र आंगनवाड़ी केंद्रों को अगले हुक्मों तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। अगली खबर दोस्तों, स्कूलों में एग्जाम को लेकर आई वड्डी खबर, परीक्षा के समय में हुई तब्दीली। शिक्षा विभाग भी स्कूलों में दिनों दिन बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर चिंतित हो गया है। यही कारण है कि बच्चों की सुरक्षा के मद्देनज़र विभाग ने परीक्षाओं की तैयारी का हवाला देते हुए कुछ अंश तैयार किए हैं। गैर बोर्ड दीयां जमातां दीयां परीक्षावां 15 मार्च तो सरकारी स्कूलों में शुरू हो रही हैं। विभाग ने वख-वख क्लासां दे परीक्षा समय विच अंशक तब्दीलियां भी कीतियां हन तां जो परीक्षा दौरान स्कूल च भीड़ ना पवे। जानकारी अनुसार तीसरी, चौथी, छेवीं, ग्यारहवीं की परीक्षा सवेरे 9 बजे तो 12 बजे तक ली जाएगी, जदों की पहली अते दूसरी जमात का समा दोपहर 12:20 तो 2:20 तक होगा। सातवीं अते नौवीं का समा 12:20 तो दोपहर 2:30 तक होगा। अगली खबर दोस्तों, पंजाब सरकार ने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेटा लगवाने लई 1 महीना होर दिता। पंजाब सरकार ने सूबे के सारे वाहन मालकों हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेटा
लगवाउण लई एक महीने का समा होर दिता है। इस तों बाद संबंधित अधिकारियों वालों चलान कट्टणे शुरू कर दिते जाणगे। पिछले 8 महीनों दौरान लगभग 13 लाख वाहनों ते इह नंबर प्लेटां फिक्स कीतियां जा चुकियां हन। अजे भी बहुत सारे वाहन मालक इन्हां प्लेटां नूं लगवाउण लई अगे नहीं आए हन। अजिहे सारे वाहन मालकां लई इन्हां प्लेटां नूं लगवाउण लई 15 अप्रैल तक दा अंतिम मौका दिता गया है, जिस मगरों संबंधित अधिकारी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेटां तों बगैर वाहनां ते चलान कट्टणे शुरू कर देणगे। अगली खबर दोस्तों, कोरोना के मद्देनज़र पंजाब सरकार का वड्डा फैसला, सारे स्कूल बंद करन दे दित्ते हुक्म। पंजाब च लगातार वध रहे कोरोना के मामलों नूं लैके पंजाब सरकार ने वड्डा ऐलान किया है। पंजाब सरकार वल्लों पंजाब दे सारे स्कूलों च छुट्टियां करन दा ऐलान किया गया है। कोविड-19 दे मामलों के मद्देनज़र सिक्ख्या विभाग वल्लों प्री प्राइमरी 1 से 9 ਅਤੇ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਸ ਹੁਣ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਲਾਸਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਪਾਸੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਕੂਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਔਫਲਾਈਨ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਆਦਿ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ SCBRT ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। अगली खबर दोस्तों, वधदे कोरोना केसां दरमियान पंजाब दे सेहत मंत्री दा वड्डा बयान, कहा लॉकडाउन दी लोड़ नहीं। पंजाब विच कोरोना दे केस वध रहे हन। इस दौरान सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने स्पष्ट किया है कि हालांकि राज विच केस वध रहे हन, पर सरकार जल्द ही इन्हां स्थितियां नूं दूर कर देवेगी। अजिही स्थिति विच इस समय राज विच तालाबंदी दी जरूरत नहीं है। सिद्धू ने कहा कि पहले तालाबंदी तो बाद लोगों दी जिंदगियां बड़िया मुश्किल नाल मुड़ पटड़ी ते आउणियां शुरू हो गई हन। कारोबार शुरू किए जा रहे हन। लोगों की रूटीन एको जिही बनन लगी है। इस दे मद्देनज़र राज दोबारा तालाबंदी होण ते जोर नहीं देवेगा। उन्हां कहा कि सूबा सरकार दी तरफों कोरोना महामारी नाल निजिठण लई कोई कोताही नहीं वरती जा रही। उन्हां कहा कि जदों राज विच कोरोना चंगी तरह काबू विच सी, सरकार ने महामारी दे संबंध विच कीते गए प्रबंधां नूं जारी रख्या होया सी अते शक्की मरीजां दे सैंपल लैण दा काम चल रहा सी। सिद्धू ने कहा कि नमूने लैण विच होर वाधा कीता जा रहा है तां जो स्थिति नूं जल्द ही काबू विच कीता जा सके। अगली खबर दोस्तों, प्री प्राइमरी तो 12ਵੀਂ तक के विद्यार्थियों सालाना इम्तिहाना की तैयारी लई छुट्टियां दा ऐलान। सिक्ख्या मंत्री विजय इंद्र सिंगला ने दस्या कि पंजाब दे स्कूलों विच होण वाले सालाना इम्तिहाना की तैयारी लई प्री प्राइमरी तो 12ਵੀਂ जमात विच पढ़दे विद्यार्थियों नूं 13 मार्च तो छुट्टियां कर दित्तियां गईआं हन। पंजाब सरकार वल्लों समें समें ते कोविड की स्थिति नूं रिव्यू करन लई मुख सकत्तर दी प्रधानगी विच हुई मीटिंग विच कोविड-19 दे फैलाव नूं रोकण बारे मिले सुझावां दे मद्देनज़र छुट्टियां संबंधी हदायतां जारी कीतियां गईआं हन। उन्हां कहा कि स्कूलां विच अध्यापक पहलां दी तरह आउंदे रहणगे। विद्यार्थियों वल्लों सारियां जमातां दे इम्तिहान कोविड-19 संबंधी वख-वख समें ते जारी हदायतां नूं ध्यान विच रखदे होए डायरैक्टर राज सिक्ख्या खोज अते सिखलाई परिषद पंजाब द्वारा जारी कीतियां जाण वालियां हदायतां अनुसार ऑफलाइन लए जाणगे, पर इस गल दा ध्यान रख्या जाएगा कि स्कूलां विच ज़्यादा भीड़ ना होवे। जिथे किते अध्यापक जां विद्यार्थी कोरोना प्रभावित पाए जाते हैं तां संबंधित स्कूलों वालों सेहत विभाग वालों कोविड-19 संबंधी समय समय से जारी हदायतों की पालना की जाए। सिक्ख्या मंत्री श्री सिंगला ने कहा कि स्कूलों नूं समय समय से विभाग वालों जारी पत्र विच दर्ज दिशा निर्देश अते भारत सरकार
अनुसार पंजाब सरकार वालों कोविड 19 संबंधी हदायतों की भी पालना करना यकीनी बनाया जाए। जिक्रयोग है कि पंजवीं दियां सालाना बोर्ड दियां परीक्षा 16 मार्च तो 8वीं अते 12वीं दियां सालाना बोर्ड दियां परीक्षावां 22 मार्च तो 10वीं दियां सालाना बोर्ड दियां परीक्षावां 9 अप्रैल तो शुरू होनियां हन। नॉन बोर्ड जमातां विच 6वीं 7वीं 9वीं अते 11वीं दे पेपर 15 मार्च तो अते पहली तो चौथी जमात दी परीक्षा 17 मार्च तो शुरू होण जा रहियां हन। अगली खबर दोस्तों, मुख्यमंत्री नाल मुलाकात करन दे भरोसे तो बाद खत्म हुई बस कर्मचारियों की हड़ताल। रोडवेज पनबस कर्मचारियों की 3 रोजा हड़ताल दूजे दिन बंद कर दी गई। यह यात्रियों लई राहत की खबर है क्योंकि हुण बसां अज तो एक रूटीन वांग चलणगियां। हड़ताल कारण दूजे राज्यां विच जाण लई अपने प्रोग्राम मुलतवी करने वाले लोगों हुण रूटीन वर्गियां बसां मिलणगियां। हड़ताल के दूजे दिन यूनियनां की हड़ताल कारण दूजे दिन भी यात्रियों नूं काफ़ी परेशानी का सामना करना पिया क्योंकि कोई भी रोडवेज अते जनतक बस डिपो तो नहीं हटाईयां गईयां। निजी बसां पंजाब लई सवार सन पर दूजे राज्यां नूं जाण वालियां यात्रियों नूं बाहर राज्यां तों आउण वालियां बसां दा इंतजार करना पिया। इस दा कारण यह है कि प्राइवेट ट्रांसपोर्टरां कोल दूजे राज्यां तों बहुत घट परमिट हुंदे हन। यात्रियों की गिनती ज़्यादा होने कारण दूजे राज्यों तो बसों में सफ़र करने वाले बहुत सारे यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। यूनियन डिपो के चेयरमैन जसबीर सिंह ने दसिया कि हड़ताल के दूजे दिन पंजाब के सारे शहरों तो कर्मचारी मुख्यमंत्री दे शहर पटियाला विखे रोस प्रदर्शन करन पहुँचे। ठेका मुलाजम संघर्ष मोर्चे की अगवाई विच सैकड़े मुलाजमान नूं प्रशासन ने रास्ते विच रोक लिया अते इस दौरान सीनियर अधिकारियों ने लिखत विच भरोसा दिता। दसिया गया है कि मुख्यमंत्री नाल एक मीटिंग 18 मार्च नूं चंडीगढ़ विखे होवेगी अते मंगां मन लईयां जाणगियां। जसबीर ने कहा कि मंगा मनन अते मुख्यमंत्री नाल मीटिंग करन दे भरोसे कारण हड़ताल मुलतवी कर दिती गई है। जे इस अरसे दौरान मंगा पूरियां ना कीतियां गईयां तां इह अणमिथे समय लई हड़ताल करन लई मजबूर होणगे। इह सन जी हुण तक दीआं ताज़ातरीन ते मुख खबरां। होर खबरां जानण लई चैनल नूं सबसक्राइब करो अते वीडियो नूं अपने दोस्तां ते परिवार नाल शेयर करना ना भुलना। धन्नवाद दोस्तों।